हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंस क्या होते हैं और एविडेंस के अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है या फिर आपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में एविडेंस शब्द को जरूर सुना होगा, और कोर्ट में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब भी हम एविडेंस की बात करते हैं और जब किसी केस के दौरान एविडेंस की बात होती है, तो एविडेंस का मतलब होता है सबूतों से। किसी भी कोर्ट केस के दौरान जब एक पार्टी के द्वारा अपने केस को मजबूत करने के लिए कोई चीज़ें कोर्ट में पेश की जाती हैं, तो उसे हम एविडेंस कहते हैं। जब बात आती है कि एविडेंस के अंतर्गत किन किन मटेरियल को रखा जाता है, वो एविडेंस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। एविडेंस हम गवाहों के द्वारा पेश किए गए बयान को भी कहते हैं। वो किसी भी पार्टी के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया कोई भी टेस्टिमोनियल हो सकता है। और एविडेंस को कोर्ट में लाने का मेन पर्पज यही होता है कि अपने केस को प्रूफ करना, अपने केस में लगाए गए एलिगेशन को प्रूफ करो या फिर डिसप्रूव करो। तो एविडेंस जो होते हैं वो दोनों पार्टीज के द्वारा प्रूफ किए जाते हैं, चाहे वह पेटिशनर हो या फिर डिफेंडेंट हो। अगर कोई पेटिशनर है और वो कोर्ट में एविडेंस को पेश करता है, तो इसका मतलब है वह अपने केस को मजबूत करता है। और अगर कोई डिफेंडेंट कोर्ट में सबूतों को पेश करता है, तो भाई उस पर लगाए गए एलिगेशन को डिसप्रूव करने के लिए सबूतों को कोर्ट में पेश करता है। और एविडेंस का कोर्ट में पेश करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि जो कोर्ट का डिसीजन आए उसको लेने में जजेस को आसानी हो, क्लियरिटी आए, समझने में आसानी आए और फैसला जल्दी आए। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और प्रोसिक्यूशन उस केस में डीएनए रिपोर्ट पेश करता है या फिर फिजिकल एविडेंस पेश करता है, जैसे कि कोई व्यापन हो जो क्राइम के टाइम वहां पर यूज किया गया था, जिससे प्रूफ हो सके कि डिफेंडेंट ने यह क्राइम किया था, तो इससे कोर्ट केस में क्लियरिटी आती है और कोर्ट को डिसीजन लेने में आसानी होती है और इससे केस की सच्चाई का भी पता चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना एविडेंस के बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।